हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे अभी इसी वक्त। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक और ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से मैच करेगा। जिसके बारे में सोच के रीडिंग को आप देखेंगे उसकी एनर्जी को पिक करेगा। और कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो कोई भी देख सकते हैं। सारी रिलीजियन के लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट कि आपके पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड मी। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट क्या है, प्लीज एंजल गाइड मी। प्लीज एंजल गाइड मी। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, करेंट थॉट किया है। बर्डन सन है उनके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो नेगेटिविटी हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग वो कर रहे हैं, तो इसीलिए खुद को उस नेगेटिविटी से बाहर लाने के लिए हील कर रहे हैं। ओके, और क्या एनर्जी है, प्लीज एंजल गाइड मी। कुछ सिचुएशन में अटके हुए हैं, कंप्लीशन लेके चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, शादी। यस, कल भी ये दो कार्ड्स आए थे, आज भी आ गए हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मुझे रियूनियन नजर आ रहा है, आने वाले टाइम में कमिटमेंट मिल सकता है आप लोगों को। ओके, और न्यू बिगनिंग हो सकता है। देखिए, न्यू बिगनिंग के दो दो कार्ड है, एस ऑफ सोर्स एंड यहाँ से है एस ऑफ पेंटिकल। तो मैरिज कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मिल सकता है, जो लोग अनमैरिड हो, सिंगल एनर्जी में हो। आपके पर्सन ड्रीमिंग कर रहे हैं। देखिए, सक्सेस का कार्ड कई दिनों से बॉटम में आ रहा है। ओके, जो लोग मेरे रोज़ की रीडिंग को देखते हो, फॉलो करते हो, उन लोगों को पता होगा कि सक्सेस के कार्ड इस डेक से हर रोज़ आ रहे हैं बॉटम से। ओके, तो गाइस, आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, शादी को लेके बातचीत होने वाला है। जो लोग मैरिड हो, यहाँ पर कंप्लीशन आएगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। ओके, और जो लोग सिंगल एनर्जी में हो, और एक कार्ड था मुझे दिखा नहीं है, तो जो लोग सिंगल एनर्जी में हो उनको जो है शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, ये सब पेंटिकल का कार्ड है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में मैच्योरिटी लेके आना चाह रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है गाइस। ओके, और आपके पर्सन ने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ट्रस्ट रख के। कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं काइंड एनर्जी में, और उस बर्डन से बाहर आना चाह रहे हैं। और उनको कोई ना कोई गाइड दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और खुद को वो हील कर रहे हैं नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए। बाकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो देखती हूँ कि मैं सब कार्ड को क्लैरिफाई कर पाती हूँ या नहीं। रीडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए मैं देखती हूँ कितना कुछ क्लैरिफाई किया जाए। ओके, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई द स्प्रेड। कंडीशनिंग क्यों आया है एंजल यहाँ पर, कंडीशनिंग क्यों आया है, कर्मा में अटके हुए हैं, लेकिन उस कार्मिक साइकिल को काट ऑफ करना चाह रहे हैं। सोर्स हाथ में लेके बैठे हैं, कार्ड थ्रोट एनर्जी में है। ओके, तो जिस भी सिचुएशन में बांधे हुए हैं वो सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं। देखिए, जस्टिस लेके आना चाह रहे हैं, दो कार्ड में सोर्स है यहाँ पर, तो काट ऑफ होगा यहाँ पर। कोई कार्मिक है तो यहाँ पर जो है फाइट हो रहा है आपके पर्सन के साथ। एक कार्ड के क्लैरिफिकेशन में कितने सोर्स निकल के आए हैं आप जस्ट देखिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, जस्टिस, तो आप दोनों के बीच जस्टिस जरूर आएगा। अगर कोई कार्मिक के साथ आपके पर्सन मैरिड है तो यहाँ पर लीगल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, डिवोर्स तक बात जा सकती है। ओके, अगर आप दोनों के बीच फाइट हुआ था, लीगल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ था, ठीक है, तो वो सिचुएशन यहाँ पर
एंड हो सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है, तो चेंज लेके आ सकता है आपके रिश्ते में, पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच फाइट हुआ था, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, डिवोर्स का कोई मामला है, तो यहाँ पर जो है चेंज आएगा और रिजल्ट जो है आपके तरफ आएगा, क्योंकि दि स्टार कार्ड आए हैं बॉटम से। अगर आपके पर्सन कार्मिक शादी में अटके हुए हैं तो यहाँ पर डिवोर्स तक बात जा सकती है, वो कार्मिक साइकिल एंड हो सकती है, पॉजिटिविटी आपको मिलेगा क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो दी स्टार आया है, तो विश फुलफिलमेंट आपका ही होगा। ओके, दी बार्डन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? दी बार्डन क्यों आया है? दी बार्डन क्यों आया है? कैसा बार्डन है? डेथ, जो भी बार्डन है वो एंड होगा आपके साथ, रिकॉन्सिलेशन बैलेंस होगा, बातचीत होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक कार्ड यहाँ पर साइड में गिरे हैं तो जो है सेवन ऑफ कप्स। ओके, तो जो भी चॉइसेस है यहाँ पर, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी उन आपके पर्सन के ऊपर बर्डन बन रहा है, बोझ बन रहा है, टेंशन बन रहा है, वो सिचुएशन यहाँ पर एंड होगा और आपके साथ जो है न्यू बिगिनिंग होगा। जो भी अदर पर्सन, जो भी चॉइसेस, जो भी कंफ्यूजन, जो कुछ भी है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपके साथ यूनियन होगा। आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए काम कर रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं। हीलिंग क्यों आया है एंजल यहाँ पर? हीलिंग क्यों आया है? रियूनियन होने वाला है, खुद को हील कर रहे रियूनियन करने के लिए। अगर आपके पर्सन आपसे इमोशनली मूव ऑन कर चुके थे पास्ट में, क्योंकि नो कांटेक्ट का रीडिंग है, तो हो सकता है सेपरेशन, नो कांटेक्ट है, अभी भी मूव ऑन किए हुए हैं हो सकता है आपके पर्सन, तो अगर इस रिश्ते से उन्होंने इमोशनली बाहर जा चुके थे तो यहाँ पर फिर से वो खुद को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और एक स्टेप उन्होंने आपके तरफ ले चुके हैं, प्यार के काप को लेके आ रहे हैं और रियूनियन होने वाला है। गाइस, जिस भी स्टक सिचुएशन में है वहाँ से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, आपको स्पाई कर रहे, स्टक सिचुएशन को काटअप करना चाह रहे हैं, सोर्स लेके बैठे हैं, आपको जो है कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कंप्लीशन क्यों आया है एंजल यहां पर? कैसा कंप्लीशन? बोल्ड एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, देखिए थर्ड पार्टी से भागना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है या फिर ऑलरेडी मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो वो सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन लॉन्ग डिस्टेंस जो भी है यहाँ पर एंड होगा। ओके, जो भी आपके साथ चीटिंग, धोखे जो भी किए हैं उन्होंने, वो सिचुएशन एंड होगा। सेवन सेवन की एनर्जी है यहाँ पर, आपके पर्सन पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करके एंड करेंगे और यही उनका मैनिफेस्टेशन है, यही वो चाहते हैं, यही वो मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, पार्टिसिपेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? पार्टिसिपेशन क्यों आया है यहाँ पर? पार्टिसिपेशन क्यों आया है प्लीज एंजल गाइड में? पार्टिसिपेशन क्यों आया है यहाँ पर? कैसा पार्टिसिपेशन? देखिए आपके साथ पार्टिसिपेशन आने वाला है, कंप्लीशन आने वाला है, रियूनियन होने वाला है और सेलिब्रेशन यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पर रियूनियन होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाला है यहाँ पर। देखिए कंप्लीशन आने वाला है और आपके पर्सन आपके बिना दुखी है, स्टैंड लेना चाह रहे इस रिश्ते में और जो है यहाँ पर आप दोनों का ब्रेकअप सिचुएशन एंड करने वाले हैं। आपके बिना वो बहुत ज़्यादा दुखी है। सेवन सेवन की सिंक्रोनिसिटी आज बहुत बार हो रही है। ठीक है, तो सेवन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सेवन डेज के अंदर, मतलब वन वीक के अंदर और या फिर सेवन वीक के अंदर आप लोगों का रियूनियन, न्यू बिगिनिंग हो सकता है। आपके बिना आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, खुद को अकेला महसूस करता है, उनका हेल्थ इश्यूज हो रहा है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप दोनों के बीच वहाँ पर वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं। आपके बिना वो बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनल है। जो लोग एक दूसरे से ऑलरेडी मैरिड हो यहाँ पर आपके पर्सन रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं, फिर से वापस आना चाह रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हो यहाँ पर आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो ज़रूर से न्यू बिगिनिंग एंड रीयूनियन होने वाला है गाइस। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और सेलिब्रेशन आने वाले हैं आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी मिलेगा। थ्री थ्री एस एस यहाँ पर आ गए, फोर्थ टाइम एस एस। देखिए यहाँ से एस ऑफ सोर्स और मैच्योरिटी, मतलब एस ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर आप कार्ड देखिए एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ से देखिए एस ऑफ सोर्स दिख रहा है कार्ड आपको, तो सेम कार्ड ने क्लैरिफाई किया है मैरिज को, तो मैरिज के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। जो लोग सिंगल हो गाइस आप लोगों का मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है और जो लोग मैरिड हो रिकन्सिलेशन हो सकता है। कब तक रियूनियन होगा प्लीज एंजल गाइड मी, कब तक रियूनियन होगा?
रियूनियन कब तक होगा? देखिए आपके साथ ही रियूनियन होगा, जहां पर अटके हुए हैं उस सिचुएशन से बाहर आएंगे, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट वो कर रहे हैं। और जहां पर अटके हुए हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहां पर आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, दुखी है। ओके, थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी उनके ऊपर बर्डन बन चुका है, लेकिन आपके पर्सन एक्शन लेंगे और आपके साथ रियूनियन होगा, इस सारे सिचुएशन से बाहर आएंगे आपके पर्सन केयर फ्री होके। ओके, बोल्ड डिसीजन लेंगे एंड केयर फ्री होके इन सारे सिचुएशन से बाहर आएंगे। वहां पर जो है फाइट हो रहा है फिलहाल, और आपके पर्सन क्विकली डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ओके, और आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट वो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, तो वो खुद को जिस भी सिचुएशन में बंधे हुए पा रहे वहां से बहुत क्विकली वापस आएंगे। प्रोजेक्शन क्यों आया है एंजल यहाँ पर, कैसा प्रोजेक्शन? देखिए कॉल मैसेज आ जाएगा गाइस, जो भी चॉइसेस है वहां पर फाइट हो रहा है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी अदर पर्सन है वहां पर फाइट हो रहा है, और वहां पर टाउन मोमेंट आया है। अगर पास्ट में आपके साथ फाइट हुआ था तो आपके पर्सन वो सेपरेशन को एंड करके आपके तरफ कॉल मैसेज करेंगे, और आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, तो मिररिंग यहाँ पर स्ट्रांग है, तो आप जैसे सोचोगे वैसे ही आपके पर्सन सोचेंगे, तो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है। पास्ट लाइफ क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर, पास्ट लाइफ क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर कैसा पास्ट लाइफ क्यों आया है? टू ऑफ सोर्स, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन की, जो भी कार्मिक कनेक्शन हो, जिसके साथ भी उनका कर्मा हो, देखिए डेविल के साथ आए हैं, तो सिचुएशन एंड होगा। पास्ट लाइफ उनका जो है कार्मिक पास्ट लाइफ हो सकता है, किसी के साथ उनका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है, तो वो सिचुएशन, वो डेविल एनर्जी, वो थर्ड पार्टी यहाँ पर एंड होगा दी वर्ल्ड कार्ड के साथ। ओके, है आपको जो है स्टेबिलिटी मिलेगा, आपको जो है कमिटमेंट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, स्टेबिलिटी वो आपको देंगे, आपके तरफ आने के लिए खुद को वो प्रिपेयर कर चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर देखिए और एक चीज, काउंटर पार्ट आ गया है, देखिए कितना खूबसूरत एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर देखिए शादी, यहाँ पर देखिए चैरियट, तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो गाइस, तो आपके पर्सन शादी में वापस आ रहे हैं, आपके तरफ वापस आ रहे हैं, चैरियट का कार्ड है, शादी का कार्ड है, तो यहाँ पर पूरा क्लियर मैसेजेस है, जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड हो गाइस, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं बहुत क्विकली, डिसीजन उन्होंने ले चुके हैं, बहुत क्विकली आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हो, कमिटमेंट मिलने वाला है शादी का, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कार्ड आप देखिए, मतलब कार्ड देखने के बाद कोई भी बोल सकता है, जो टैरो देखता है हर रोज उनको पता ही चल जाएगा कि हाँ ऐसे कार्ड आए हैं, मतलब ये ऐसा ही एनर्जी है। ट्रस्ट क्यों आया है एंजल, न्यू बिगिनिंग, देखिए तीनों न्यू बिगिनिंग के कार्ड से क्विकली आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होगा आपके साथ, और स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आए हैं, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपके तरफ। ओके, जेस्चर करना चाह रहे, कॉल मैसेज जरूर रिसीव होगा गाइस, वो प्लानिंग कर चुके हैं आपके तरफ आने के लिए, और पास्ट में उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आपको बोल्ड पावरफुल देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपको जेस्चर करने के लिए, इमोशनल हो रहे, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगा, बैलेंस होगा सिचुएशन। ये दोनों न्यू बिगिनिंग के कार्ड है, तो कब तक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, प्लीज एंजल गाइड मी, कब तक न्यू बिगिनिंग हो सकता है? तो 8 भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, मैंने नंबर पूछा है, तो 8, तो आप 8 डेज या फिर 7 डेज के लिए वेट कर सकते हो। कब तक सक्सेस मिल सकता है, प्लीज एंजल गाइड मी। 6, तो 6 मंथ में आपको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि ये भी नंबर 6 है, ये भी नंबर 6 है, तो 6 मंथ के अंदर जो है आपका, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं शादी के लिए। अगर जो लोग अनमेरिड हो और जो लोगों के बीच प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए 6 मंथ लग सकता है, और जो लोग मतलब ऑलरेडी मैरिड हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बातचीत करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है, यहाँ पर जो है 6 वीक में भी आ सकते हैं, तो नंबर वेरी कर सकता है, किसी के लिए 1 वीक में जो है बातचीत हो सकता है बहुत सारे लोगों का, और 6 वीक या फिर 7 वीक के अंदर जो है आपको सक्सेस मिल सकता है, जो न्यू बिगिनिंग 8 डेज या फिर 8
आवर्स के अंदर आप लोगों का बातचीत हो सकता है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, तो आपको जो करना है पॉजिटिवली रहना है और खुद के लाइफ में ग्रो करते रहना है। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है कि मेरे पर्सन आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ आएंगे जब टाइम होगा, जब डिवाइन ने बुलाएंगे तब आएंगे, ऐसा ही आपको सोचना है। ओके, बहुत ज़्यादा वेटिंग में नहीं रहना है कि हाँ मैम ने बोला है और मेरा जो रीडिंग है 100% रेजोनेट हो गया है तो ज़रूर आएंगे। आपको सोचना है हाँ आएंगे, रीडिंग पॉजिटिव था, लेकिन वेटिंग में नहीं है कि आज ही आ जाएंगे या फिर 1 वीक के अंदर ही आ जाएंगे मेरे पर्सन। ओके, इतना ज़्यादा श्योर नहीं रहना है आपको। और जो है पहला काम, खुद के ऊपर जो है काम करो और गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखो कि मेरे पर्सन मेरे लिए ही बने हैं, तो गॉड जब टाइम होगा तब भेज देंगे। ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रहा है, हो सकता है कि मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो या फिर हो सकता है कि मुझे कोई लेसन लेनी हो, इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। तो आपको ऐसे ही पॉजिटिव सोचना है। चलिए देखते हैं इस डेक से आपके लिए गाइडेंस और देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज है, तो जैसा कार्ड आएगा मैं वैसे ही आपको डिस्क्राइब करते जाऊंगी। तो देखती हूँ तो इस कार्ड से क्या क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, प्लीज एंजल गाइड माय व्यूअर्स कि उनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो आपके आसपास जितने भी पशु पंछी हैं उनको प्यार दो, अनकंडीशनल लव दो, उनको केयर करो। तो आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है उसको क्लियर करके आगे बढ़ो, कट ऑफ करो उस ऑब्स्टिकल्स को, उस बाधाएं को, और अपने लाइफ में काम करते जाओ। फाइट हो सकता है लव लाइफ में, जो लोग का अगर बातचीत छोटा मोटा सा हो रहा है, लेस कॉन्टैक्ट में हो, उनका फाइट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और जो लोगों का बातचीत नहीं हो रहा है उनके फैमिली में या फिर घर के आसपास किसी के साथ छोटा मोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाए। ओके, और जो है आपके लिए आ रहा है मीटिंग, फेटेड मीटिंग का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यूनियन के टाइमिंग्स हो चुके हैं, तो सिर्फ थोड़ी सी टाइम बाकी है 12 बजने में। तो जब 12 बजेगा, जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा, जब सही टाइम आएगा, तो तब आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। तो आपके आपको पॉजिटिव रहना है और बैलेंस आएगा। यहाँ पर लीगल मैटर चल रहा है, तो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकता है, आपके तरफ रिजल्ट आ सकते हैं, सिचुएशन जो है बैलेंस हो सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकता है। ओके, जैसे आप चाहते हो। यहाँ पर समर विंटर, तो अगर आपने विंटर फेस किए हो, अपने लाइफ में इतने दिन बुरे टाइम देखे हो, बहुत कुछ सीखे हो, तो आप जो है आपके लिए रिजल्ट आ रहा है, समर आ रहा है, ग्रीनरी आ रहा है, फ्लावर्स आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो है आर्किटेक्ट, आपको खुद के करियर के ऊपर काम करना है। कुछ लोग यहाँ पर न्यू काम ज्वाइन किए हो ऐसा लग रहा है। अगर कोई दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना है, स्पिरिचुअल होना है, ताकि आपको वहाँ से गाइडेंस मिले। तो यहाँ पर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या फिर किसी के साथ आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, एग्रीमेंट साइन होने वाला है आने वाले टाइम में, या फिर हो रहे करंट एनर्जी में। और आपको जो है प्लानिंग करके काम करना चाहिए और दूसरी तीसरी जगह पे आपकी एनर्जी को लगाना चाहिए, एक दो काम में लगाना चाहिए। एक काम के लिए आप बैठे मत रहो, दो तीन चार काम कर सकते हो आप। अपनी फोकस को सारे जगह पे लगाओ। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको डिवाइन ने होप दिखा रहा है, हेल्प कर रहे हैं। द बार्डनेस, तो आपके लिए कोई न्यू मेंबर आ सकता है, एम्प्लॉय आ सकते हैं, या फिर फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी है। बार्ड जैसे खुद की नेस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, लगातार छोटी छोटी चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो खुद के घर बनाते हैं। उसी तरीके से आपको जो है अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करनी है, लेकिन एक दिन एक घर बनेगा। ओके, तो एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे, या फिर आपके लाइफ में कोई छोटा सा बच्चा आ सकता है, आपके फैमिली में कोई रिलेटिव्स आ सकता है आज के दिन में, या फिर जो है आपके बिजनेस में कोई न्यू एम्प्लॉई ऐड हो सकता है, या फिर कहीं भी कोई न्यू मेहमान आ सकते हैं। दी मास्टर आर्टिशियन, तो आपका जो भी टैलेंट है, आपका जो भी गुण है, आपका जो भी जो कुछ है आपके अंदर, उसको सबके सामने लाओ, उसके ऊपर काम करो, डेडिकेटेड रहो और पैशनेटली काम करो।
आर्कएंजल माइकल आया है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, तो चलिए एंजल के तरफ से कुछ गाइडेंस आपके लिए चेक करती हूँ कि एंजल आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं करेंट सिचुएशन में। ओके, तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, तो पॉजिटिव आपको रहना है, पॉजिटिवली आपको प्रे करते रहना है, होपफुल रहना है, ठीक है। वेटिंग में मत रहो, वेटिंग मतलब ये है कि आप वेट करते बैठते हो कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, या फिर 7 डेज के अंदर आ जाएगा, मंथ के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आना होगा आएगा, ऐसे ही बोल दो कि जब आना होगा तब आएंगे, ठीक है। मुझे अपना काम करना है, आप जब खुद के अंदर खुश रहोगे, खुद के लाइफ में खुद खुश रहोगे 100%ली, किसी को दिखावा नहीं है, गॉड को आप दिखा नहीं सकते, गॉड समझ जाते हैं कि कोई अंदर से कितना खुश है। तो आपको जो है खुद के फैमिली के साथ, जो भी आपके आसपास है, जिसके साथ भी आप रहते हो, उसके साथ जैसा भी आपका सिचुएशन चल रहा है काइंड एनर्जी में, उसमें अगर आप 100% खुश रह पाते हो, जो भी चीज़ें आपकी खुशियाँ देती है उन सारी चीज़ों को लेके आप खुशी खुशी रह पाते हो, तभी आपके पर्सन वापस आ सकता है आपके लाइफ में। ओके, अगर उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है तो। ओके, प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको कुछ न्यू डायरेक्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लाइफ में इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आ रहा है विद इन द फ्यू मंथ्स, तो कुछ लोगों के लिए फ्यू मंथ्स। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बोला जा रहा है एंजल की तरफ से। यू आर रेडी, तो कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो इसलिए एंजल बोल रहे हैं कि यू आर रेडी, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, पॉसिबिलिटी आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये सही टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली कोई एक डायरेक्शन चूज करके उसके ऊपर पॉजिटिवली काम करते रहना है। ओके, तो गाइस ये था आप लोगों के लिए रीडिंग नो कॉन्टैक्ट का। अगर अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है, तो ज़रूर से लाइक करके कमेंट में बताना कितना रेजोनेट हुआ, कौन कौन सी पार्ट पूरा रेजोनेट हुआ आपसे। ओके, और कॉल मैसेज आता है, रियूनियन होता है, तो ज़रूर से कमेंट में बताना। कई दिनों से पॉजिटिव रीडिंग्स आ रहे हैं, न्यू मून के बाद से रियूनियन के बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो है फ्लो मुझे नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो एनर्जी आया है तो वो सही होगा, क्योंकि दोनों डेक से, तीनों डेक से हम क्लैरिफाई करते हैं, और डेली का रीडिंग में रियूनियन आ रहा है। अभी के जो रीडिंग है, मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं, रियूनियन के कार्ड्स आ रहे हैं, विक्ट्री के कार्ड आ रहे हैं, तो ज़रूर से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो रहा है, पता नहीं क्यों कोई कमेंट में मुझे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए गाइस, ताकि दूसरे को भी बहुत ज़्यादा होप मिले, पॉजिटिविटी मिले, और आपका एक मैसेज, एक कमेंट जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हेल्प कर सकता है, पॉजिटिविटी दे सकता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ मिलता है यहाँ से, कि किसी का कॉल मैसेज आया है तो मुझे और ज़्यादा पावर मिल जाता है। ओके, तो गाइस बहुत मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर बोलना पड़ता है, तो खुद का ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान जरूर से रखना, और जितना हो सके आप हेल्प जरूर करना। ये बातें मैं हर एक वीडियो में बोलती रहती हूँ, शायद आप लोगों को बुरा लगता होगा या फिर कोई सुनते भी नहीं हो, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा गॉड ने आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जिनको हेल्प चाहिए आप हेल्प करो। ये नहीं है कि आप, मैं बोल रही हूँ कि इकोनॉमिकली हेल्प करो, वैसा कुछ नहीं है। आप जैसा हेल्प कर सकते हो, उनको मेंटल स्ट्रेंथ दे सकते हो तो दे सकते हो, आप अगर उनको फिजिकली कोई काम करके हेल्प कर सकते हो तो कर सकते हो, अगर उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा बहुत आपके पास भी है तो आप दे सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस ये था आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन, तो टाटा, इस रीडिंग को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से रहना, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।